हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में 10 सीटर टैक्सी यूनियन परिवहन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में बताया कि पूर्व के 20 मार्च 2020 से हम कोविड-19 विश्वव्यापी आपदा के बाद अधिकतर व्यापार रोजगार फैक्ट्री बंद हो गई थी, जिससे हमारा टैक्सी का व्यापार बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। सामान्य स्थिति में राज्य व केंद्र सरकार को राजस्व 40-60% तक विभिन्न प्रकार की टूरिस्ट व ट्रांसपोर्ट द्वारा प्राप्त होता है। अब सरकार से उम्मीद है कि वो हमारी सहायता करे। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष सरदार पठान ने बताया कि वाहनों की किस्त समय पर जमा नहीं करा पाते हैं, वाहनों चालकों के वेतन भी हम समय पर नहीं दे पा रहे हैं, हमारे व अन्य खर्च व घर चलाना भी मुश्किल हो चुका है, सारे खर्च आय पर आधारित है, आगामी 2 वर्षों तक टूरिज्म व्यवसाय चलाने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। राजस्थान के सभी वाहनों चालकों मालिकों संगठन की 9 सूत्री मांग हमारे गाड़ी की किस्त को आगामी 12 से 18 महीने तक के लिए मोटोरियम लाभ देकर आगे बढ़े। अभी हमारे टैक्सी कार्य पर 9-18% तक ब्याज दिया जा रहा है, उसे अधिकतम 6% किया जाए। टैक्सी कारों के परमिट को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। समस्त टैक्सी कारों का 1-time tax जमा कराया जा चुका है, इसलिए हमें परमिट और इंश्योरेंस में 2 साल राहत दे। लॉकडाउन अवधि इंश्योरेंस में IRDA द्वारा प्रीमियम कम करवाया जा और NCP का पैदा थर्ड पार्टी में भी दे तथा पुराने वाहनों में इसी NCP ट्रांसफर का लाभ दे। इस मौके पर टैक्सी यूनियन के लोग मौजूद रहे। जागरूक टीवी की पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।